मैं श्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। इन सातों चरण में पूरी की पूरी 543 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आप देखें कि तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। और एग्जिट पोल के नेक्स्ट नाइन न्यूज के आंकड़ों के अनुसार इस बार इंडिया लाइंस 280 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और वहीं एनडीए 250 के करीब सीटों पर इस बार सिमट कर रह जाएगी। लेकिन वहीं इस पूरे आप देखें पूरे एग्जिट पोल में और इस पूरे लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी और उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों में जो सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी रही वो सीट है केसरगंज की। जी हाँ, केसरगंज वही सीट है जिस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह जो एक साल 2019 से सांसद ही पर हैं उनका टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। और अब कहीं ना कहीं कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि करण भूषण सिंह की मुश्किलें कहीं ना कहीं वहां से बढ़ती नजर आ सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि करण भूषण सिंह का भी अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में टिकट काट सकती है और कहीं ना कहीं केसरगंज में उपचुनाव की जो स्थिति है वो आने वाले समय में बनती दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो करण भूषण सिंह के लिए और ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार के लिए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो दोगुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का पहले से ही वहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था यौन शोषण मामले के चलते, जो महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिन आरोपों में कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार घिरे हुए हैं। पहला मामला ये, दूसरा मामला करण भूषण सिंह का टिकट कटना। आपको बता दें कि हाल ही में करण भूषण सिंह के काफिले ने 4 बच्चों को रौंद के उनका काफिला निकला और उसके बाद कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह सुर्खियों का हिस्सा बन गए, क्योंकि जिस प्रकार से उन बच्चों को रौंदा गया, उन बच्चों की जानें ली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान करण भूषण सिंह के खिलाफ भी आने वाले समय में या फिर इस लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन ले सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर करण भूषण सिंह का टिकट कटता है और अगर करण भूषण सिंह कहीं ना कहीं यहां से चुनावी मैदान से बीजेपी आलाकमान आयंद वक्त पर उन्हें हटा लेती है तो यहां का सारा फायदा और केसरगंज का सीट समीकरण बट जाएगा और बटेगा अखिलेश यादव की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी केसरगंज से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि समाजवादी पार्टी का केसरगंज में एक दबदबा नहीं है और इसी के चलते इस बार ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव यहां से जीत का शंख फूंक ले। पर यह तभी मुमकिन होगा जब बीजेपी आला कमान ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलों को और बढ़ाएगी, करण भूषण सिंह का टिकट काटेगी और यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे समीकरण पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।